जय मसीह की सभी का स्वागत है इस संडे शाम की सभा में। आज थोड़े समय पे हम लोग आराधना और वर्शिप को शुरू करेंगे। लेस इस आराधना वर्शिप को शुरू करने से पहले अपने मनों को तैयार करते हैं और इस बात को याद रखते हैं कि हम सब आराधना के समय में, वचन के समय में परमेश्वर के सामने हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में हम परमेश्वर को सुन रहे हैं। तो लेस इन विचारों में बने रहते कि हमारा जीवन परमेश्वर के सामने, एक विश्वासी अपना जीवन परमेश्वर के सामने जी रहे। आइए प्रार्थना करेंगे, इस सभा को शुरू करेंगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि इस यूट्यूब के माध्यम से पिता परमेश्वर हम सब पिता परमेश्वर आपको सुन रहे हैं। पिता परमेश्वर आपकी वचनों को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। हमारी सहायता करना, मदद करना पिता परमेश्वर कि हम आपको और जान सके पिता परमेश्वर, एक मन से पिता परमेश्वर आपकी आराधना कर सके प्रभु। ऐसी हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हर एक को अब तक आपने संभाला पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। इस आराधना को, इस वचन को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए सभा को शुरू करते हैं। आइए हम यीशु मसीह की स्तुति और आराधना करें। पहले गीत के साथ जो कहता है, सागर से भी गहरा, I'm not afraid to die।
हमारे ऊपर आशीष करना पास्टर अतुल पर आशीष करना पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आगे के समय हर एक चीज़ों में हमारी रक्षा करना पिता परमेश्वर, हर चीज़ों के लिए पिता जरूर Jesus.
ही खुश है जो परमेश्वर आपका भी बड़ा खुश है। धन्यवाद करके यीशु कि आप इतने महान हो, आपकी जय करते हैं सब बता अच्छे सब से आपके हाथों में देते हैं जो खास आपके हाथों में देते हैं। ये कीजिए हमारे समय इस मैसेज को आशीष सच कहते हैं ईश्वर से के नाम से। आप सभी को जय मसीह की और विश्वास करता हूँ कि आप सब सुरक्षित है, परमेश्वर के वचनों से प्रोत्साहित है। आज मैं आपके साथ में दान देने के विषय में एक छोटा सा विचार बांटना चाहता हूँ। दान देना यह हमारे विश्वास को प्रकट करने का एक तरीका है। हम दान इसलिए देते हैं क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें प्राप्त हुआ है। जब भी हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आती है, जैसे कि अभी कोरोना का समय चल रहा है, तब हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं। पहला कि हम परमेश्वर का हाथ पकड़कर उसके अगुवाई में चले और उस पर निर्भर हो जाए, या फिर दूसरा अपनी सोच के अनुसार जीवन जिए। और मरकुस की किताब अध्याय 12 वचन 41 से लेकर 44 को अगर हम पढ़ेंगे, उस कहानी में हम देखते हैं वहाँ पर यीशु मसीह है, वो महिला है, उसके दो सिक्के हैं और उसका परमेश्वर पर निर्भर होना। कोई भी इंसान अगर इस कहानी को पढ़ेगा तो वो सोचेगा ये क्या बात है, जो अपने जीवन के लिए अत्यावश्यक है वो परमेश्वर को देना। लेकिन हम उस महिला के विश्वास को देखते हैं। वो महिला एक तरीके से मानो सोच सकती थी कि मेरे पास इतना ही है, कम है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, और देने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन उसने ऐसी कोई भी बात नहीं सोची। बाइबल इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। बाइबल कहते हैं कि उसने परमेश्वर के कार्य के लिए दान दिया और प्रभु ने इस चीज़ की सराहना की। जब हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं, परमेश्वर के कार्य के लिए हाथ लगाते हैं, तब मानो परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। जब भी परमेश्वर आपके जीवन के किसी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये बात केवल पैसों के बारे में नहीं, कोई भी हो, आपका समय, दान देना, किसी के लिए प्रार्थना करना, किसी की सहायता करना, ये सारी चीज़ें हमें परमेश्वर के प्रतिरूप में बदलती है, परमेश्वर के और करीब लेके आती है और परमेश्वर को संतुष्ट करती है, परमेश्वर को ये सारी चीज़ें भाती है। मैंने इस लॉकडाउन के समय में देखा है कि परमेश्वर ने बहुत सारे अपने दासों के द्वारा मेरी सहायता की, और इस समय में मुझे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ था। उसकी सहायता मानो भजन संहिता 121 वचन 1 और 2 के अनुसार पहाड़ों से आ रही थी। धन्यवाद उन सारे लोगों के लिए, सारे हाथों के लिए। मैं भी आपसे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के किसी भी कार्य के लिए परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं, तो आगे बढ़ो। परमेश्वर आपके संग है, आपको रास्ता दिखाएंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर पिता उन विश्वासियों के हाथों के लिए प्रभु परमेश्वर, जो आपके कार्य के लिए हमेशा आगे आते हैं। परमेश्वर उन्हें आशीषित करना इस कठिन समय में प्रभु, आप उन्हें संभाले रखना, आप उनकी अगुवाई करना, और किसी भी चीज़ की प्रभु परमेश्वर उन्हें कमी घटी ना हो प्रभु यीशु मसीह, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आगे का समय आपके हाथों में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना।
सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी तू ही महान सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी हृदय के तार तेरे शंकर जीवन में क्या हो रहा है, हम किस रीति से
बीत रहा है हमारे ऊपर, क्योंकि इस पैंडेमिक के समय में बहुत से लोग इस तरह से सोच रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या परमेश्वर समझ सकता है कि हमारे संख्या। और इस कहानी के द्वारा मैं दर्शाना चाहता हूं कि परमेश्वर समझता है। ये वो परमेश्वर है जो पापियों की व्यवस्था, पापियों के इंसान को किस रीति से जी रहा है, उन सब बातों को समझता है। और खूबसूरत है इस देखने के लिए कि इस चित्र के बारे में, और जब मैं अनुग्रह के बारे में बात करता हूं तो याद रखिए अनुग्रह के ऊपर भी काफी हमले होते हैं। लोग कहते हैं सिर्फ अनुग्रह क्यों, कानून भी कोई चीज है। हाँ, लेकिन जब हमें अनुग्रह की जरूरत पड़ती है तो हम पहचानते हैं कि धन्यवाद की परमेश्वर अनुग्रही परमेश्वर है। अगर न्याय मांगे न्याय मिले, न्याय क्या है, जिस चीज की हम लायक हैं वो हमें मिलेगा। अनुग्रह क्या है, जिस चीज के हम लायक नहीं है वो परमेश्वर हमें देता है। इससे जब हम अपनी ओर होता है तो हम लोग खुश होते हैं, लेकिन दूसरे की ओर होता है तो कभी कभी हम नाराज हो जाते हैं और कहते हैं न्याय होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इन वचनों से जब हम पढ़ेंगे और इनको सीखेंगे तो हमारे मन में वो बदलाव आएगा कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हाँ, न्याय की जरूरत है, हाँ पाप को दंड मिलना जरूरी है, लेकिन धन्यवाद के अनुग्रह है। और इस कहानी को हम देखते हैं, यहां से शुरुआत होती है, जॉन चैप्टर 7 वर्स 53 से। तब सब कोई अपने अपने घर चले गए, और सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन वर्स चैप्टर नंबर 8 वर्स 1 में, परंतु यीशु यतून के बाहर पर गया। और ये खूबसूरत चित्र है, जब हम योहन्ना की किताब को पढ़ते हैं तो ये दो चीजें हमेशा दिखती है। योहन्ना हमेशा दिखाता है कि यीशु मसीह परमेश्वर भी है और वो ही परमेश्वर है, लेकिन उसके साथ साथ वो मनुष्य का पुत्र भी है, वो इंसान भी है, वो मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, कि वो परमेश्वर है लेकिन साथ साथ में वो परमेश्वर के संग एक मनुष्य भी है। और कभी ऐसा हुआ नहीं है इतिहास में, ना ही कभी होगा कि एक परमेश्वर और मनुष्य एक साथ, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकता है ये। और हम यह देख रहे हैं कि सब अपने घर चले गए लेकिन यीशु मसीह तो उनके पर्वत पर गया। क्यों? मत्ती 8:20 में लिखा है कि परमेश्वर के मनुष्य के पास सर रखने की भी जगह नहीं थी, सर रखने की भी जगह नहीं थी। और उसके बारे में हम सोचते हैं, हर एक व्यक्ति अपने घर गया पर यीशु यतून के पर्वत पर। उसका अपना कोई घर नहीं था, वो अमीर था लेकिन हमारे लिए गरीब बना और इस धरती पर आया। वर्ष नंबर 2, भोर को वह फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। ये खूबसूरत चित्र है वर्ष नंबर 2 का, जहां पर मुझे बहुत पसंद है ये वर्ष, क्योंकि मैं सोचता हूं कभी कभी कि काश मैं वहां होता, काश हम वहां होते और भोर के समय में परमेश्वर में मंदिर में आता, उसके स्थान और हमें सिखाता, राइट, बैठकर उपदेश देने लगता था। और ये क्या है, ये भोर का समय, मत्ती 6:33 याद है, परमेश्वर ने मत्ती 6:33 में क्या कहा था, पहले परमेश्वर की राज्य की खोज करो, उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी बातें तुम पे जोड़ दी जाएंगी। हमारे संसार में, हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि जब सारी बातें हमसे जुड़ जाएंगी तब हम परमेश्वर की खोज करेंगे, लेकिन परमेश्वर कह रहा है नहीं, पहले मेरे राज्य की खोज करो। और ये सच्चाई है कि यीशु मसीह जिस तरह से जीते थे वही प्रचार करते थे। उनका इस तरह से जीवन नहीं था कि जो प्रचार करो और फिर जीवन अलग, नहीं, उनका जो जीवन था उनके प्रचार से मिलता था। और वहां पे यहाँ पे अपने जीवन का उदाहरण दे रहे कि भोर के समय में मंदिर में आके सब लोगों को सिखाने लगे। उनके लिए कोई बड़ा कोई छोटा, कोई धर्मी कोई अधर्मी, कोई पापी, कोई नहीं, सबको सिखा रहे थे। ये वो समय है जहां पर यीशु मसीह ने आके प्रचार करना शुरू किया। वर्ष नंबर 3, तब शास्त्री और फैरिसी एक स्त्री को लेके आए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसके बीच में खड़ा करके यीशु से कहा। नाउ सोचिए, ये एक स्त्री है जिसको व्यभिचार में पकड़ा गया है, और वर्ष नंबर 4 में कह रहे हैं, गुरु ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। हाँ, इनको कैसे पता कि वो पकड़ी गई है, कि क्या ये वहां थे? लेकिन वर्ष नंबर 3 में ये एक उदाहरण है कि वो पकड़ी गई है व्यभिचार में और परमेश्वर के पास उसको लाके गया है। ना यह शास्त्री और फैरिसी, अगर इस कहानी को ध्यान से पढ़ोगे, उनका मकसद ये नहीं है कि स्त्री को दंड मिले, उनका मकसद कुछ और है। वो देखना चाह रहे हैं कि यीशु मसीह क्या कहेगा। वर्ष नंबर 6 में उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात उससे कही ताकि उस पर दोष लगाना चाहे।
और ये शास्त्री और फैरिसी का काम है कि उनको करना कुछ और है लेकिन कर रहे कुछ अलग मकसद से है। ये स्त्री को पकड़ के तो लाए हैं व्यभिचार में, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि व्यभिचार पाप नहीं है, व्यभिचार में पकड़ी गई है वो, लेकिन उसका उनका मकसद क्या है कि यीशु मसीह को परख सके और उसको फंसा सके। और यहां पर हम लिख रहे हैं कि जिस तरह से यह लिखा है कि व्यभिचार है, और ये व्यभिचार के बारे में ये नहीं कहते कि ये पाप नहीं है, ये पाप है, ये पकड़ा गया पाप है, लेकिन हमारी सोच में, हमारे मन में, हमारे बातचीत से भी हम पाप कर सकते हैं। रोमियो के 3:10 में और 3:23 में अगर आप पढ़ो रोमियो का तीसरा अध्याय, तो उसमें पता चलेगा कि मनुष्य की कोई भी हिस्सा शुद्ध नहीं है, हर चीज पाप ने हर क्षेत्र को छू लिया, हमारी सोच को, हमारे हाथों को, हमारे पैरों को, हमारी आंखों को, हमारे मुंह को, हर जगह में पाप के लक्षण दिखते हैं। और यहां पर व्यभिचार दिखाया गया है, लेकिन ये शारीरिक व्यभिचार से ज्यादा खतरनाक है आत्मिक व्यभिचार, जब एक विश्वासी संसार के संग लगाव लगा के संसार के संग जीता है, परमेश्वर को छोड़ के संसार की बातों को ज्यादा महत्वपूर्ण समझता है, वो आत्मिक व्यभिचार है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि ये व्यभिचार ठीक है जब उसको परखा जा रहा है, ये कहने का मकसद ये है कि वो ग्लानी में है, वो झूठी है, उसके ऊपर ये दोष लगाया गया और ये दोष सच्चा है। लेकिन हम इस कहानी को इस तरह से ना देखें, इस तरह से सोचे कि उस व्यभिचार स्त्री के यहाँ पे हम है, क्योंकि हमारे अंदर भी पाप है और हम भी पाप के दोषी हैं। कई बार हम इस कहानी को पढ़ के कहते हैं बिचारी के संग, लेकिन परमेश्वर ने कहीं पर पाप को आसानी से छोड़ा नहीं है, यीशु मसीह उसके लिए खुद इस धरती पर आए हैं। और शर्म की बात है क्योंकि जिस यहाँ पे लिखा है कि उसके उसी कार्य में पकड़ी गई है, कि इसे व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया, यानी उसको शायद कपड़े बदलने का मौका भी नहीं दिया गया। लिखा हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है, और तो शर्म की स्थिति में है, पाप भी है और शर्म भी, और हर पाप शर्मनाक है, कोई भी पाप ऐसा नहीं जिसको आप कह सकते इसमें शर्म की बात नहीं है, परमेश्वर की नजरों में हर पाप शर्मिंदा का कारण है। उसके दोष लगाने वाले ने शायद उसको समय भी नहीं दिया कपड़े पहनने के लिए, और ऐसे ही ढके हुए उसको लेके आ गए हैं और सबके सामने लाके खड़ा कर दिया है, और उस पे दोष लगाया जा रहा है। जब हम पाप के बारे में सोचते हैं तो हम कई बार सोच सकते हैं कि संसार में इतना पाप है, लोग किसी के संग कुछ हो रहा नहीं है और हमारे संग हो रहा है, लेकिन हर पाप परमेश्वर की नजरों में पाप है और हर पाप का दाम चुकाना पड़ेगा। जिन्होंने विश्वास किया, हाँ यीशु मसीह ने हमारे पापों का दंड भरा, लेकिन पाप के साथ साथ उसके नतीजे भी होते हैं। अनुग्रह का मतलब है कि परमेश्वर ने हमारे पापों को धो दिया है, हम उसकी यादगार नहीं है, जो हम जिस चीज के हम लायक थे उसको हमें नहीं दिया जाएगा, लेकिन पाप के गुनहगार हैं, इसलिए यीशु मसीह धरती पर आए और उन्होंने अपनी जान दी हमारे लिए। और क्या कह रहे हैं उसके दोष लगाने वाले, कि नियम के अनुसार उसको मार देना चाहिए। वर्ष नंबर 5 में लिखा व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री पर पथराव किया जाए, अंतु स्त्री के विषय में क्या कहता है? क्या वो सच बोल रहे हैं? हाँ सच बोल रहे हैं, कानून के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार उसे मार देना चाहिए है। व्यवस्था 20:10 और व्यवस्था विवरण 22:22 में लिखा है कि मार देना चाहिए, लेकिन जिसके संग व्यभिचार करती गई है उसको भी होना चाहिए, लेकिन वो यहां पर है नहीं, वो अकेली लाई गई है। और इसके मन में यहां पे दिखाई दे रहा है कि शायद यहां पे एक षड्यंत्र रचाया जा रहा है, क्योंकि ये एक षड्यंत्र बनाया गया यीशु को फंसाने के लिए। क्या इस स्त्री ने पाप किया? हाँ। क्या इस दंड की योग्य है? हाँ। लेकिन काम क्या है? यीशु को फंसाने के लिए आए हैं। और वर्ष नंबर 7 में, वर्ष नंबर 6 में एक्चुअली उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। वर्ष नंबर 7, जब वे उसे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही उसे पहला पत्थर मारे। मैं सोच रहा था कि जब उसे यीशु के सामने लाके खड़ा किया गया और यीशु से पूछा गया, तो ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि यीशु मसीह कुछ कहेंगे, लेकिन यीशु मसीह झुक कर जमीन पर कुछ लिखने लगे। क्या लिखने लगे पता नहीं,
लेकिन एक चीज यहाँ पर दिखती है कि यीशु मसीह जान गए थे कि उसके संग क्या बीत रहा, और हर एक पापी को इस बात से सोचना और एक सहानुभूति मिलनी चाहिए नवे कि यीशु मसीह पापियों के दोस्त हैं, और यहाँ पर उन्हें न्याय नहीं दिया, यहाँ पर उन्हें जमीन पर लिखना शुरू कर दिया। यीशु मसीह हर एक प्राण के बारे में सोचता है और इसलिए उस धरती पर आए। मैंने कहानी पढ़ रहा था कि एक छोटा लड़का अपने पिता के संग एक खेत के पास से जा रहा था, और वहां पर एक किसान ने बोर्ड लगाया हुआ था कि उसके पास कुत्ते ने कुछ बच्चे दिए थे तो किसी को कुछ खरीदना, तो आप उन बच्चों को खरीद सकते हैं। तो एक बच्चे को चाहिए था कि छोटा सा कुत्ता उसके घर में आए और उसके संग खेले वो। तो वो गया उस किसान के पास और उसने उससे कहा कि मुझे चाहिए। तो किसान ने कहा बहुत महंगे हैं। उसने कहा नहीं, लेकिन मेरे पास थोड़े से, जेब में हाथ डालोगा मेरे पास थोड़े से पैसे का, ठीक है। उसने कुत्ते को आवाज दी, चार छोटे छोटे बच्चों को लेके लाया गया, और थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि एक छोटा सा और एक छोटा कुत्ते का पिल्ला वहां से आ रहा है, लेकिन थोड़ा लंगड़ा रहा है, ठीक से नहीं है, भाग नहीं पा रहा है। और किसान उसको बता रहा है कि इनमें से किसको चुन ले, और छोटे बच्चे ने कहा नहीं, वो जो ठीक से चल नहीं पा रहा है मुझे वो चाहिए। तो उसको कहा कि नहीं, उसको मत लेके जाओ, वो दौड़ नहीं पाएगा, वो खेल नहीं पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, जिंदगी भर वैसा ही रहेगा, तो उसमें तो जो मजा नहीं आएगा, तेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। छोटे बच्चे ने अपनी पैंट का एक साइड का पैर ऊपर किया और उसने कहा उसके पास स्टील के ब्रेस लगे हुए थे, वो खुद ठीक से नहीं चल पाता था। उसने कहा कि मैं जानता हूं कि सीधे से नहीं भागना दौड़ना ये कितना कठिन है, उसको मैं संभाल पाऊंगा, क्योंकि वो उस बच्चे को वो चाहिए कि जो उसको समझ सके, और मैं समझ सकता हूं कि भागने का मतलब, नहीं भागने का मतलब क्या है। यीशु मसीह उस तरह से है, वो समझते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है। न्याय देना आसान है, व्यवस्था के अनुसार दंड देना आसान है, लेकिन यीशु मसीह जानते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है। हमें हर इंसान को ऐसा कोई इंसान चाहिए जो उसको समझ सके, जो उसको जान सके। नियम नहीं समझ सकता, धर्म नहीं समझ सकता, अच्छे कार्य नहीं समझ सकते, लेकिन परमेश्वर हमें समझ सकता है, परमेश्वर हमें जानता है। और देखिए कितने लोग उसके सामने, यीशु मसीह के सामने, परमेश्वर खुद वहां खड़ा है, पापी स्त्री वहां पे खड़ी है, कान व्यवस्था के लोग वहां पे हैं, और व्यवस्था के लोगों ने लाकर पापी को यीशु मसीह के, तो व्यवस्था पाप को लाके परमेश्वर के सामने खड़ा कर दिया है, और यीशु मसीह नीचे झुककर जमीन पर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी बात, मेरा मन जा रहा है निर्गमन 31 पर, जहां पर यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था लिख के दी, 10 आज्ञाएं, और वहां पे लिखा हुआ है वर्ष नंबर 18 में कि परमेश्वर की उंगली से लिखी गई थी वो बात। वर्ष नंबर 7 में देखते हैं कि उसने कहा, फिर वर्ष नंबर 8 में आप देखो वो फिर झुककर भूमि पर उंगली में लिखने लगा। 2 बार यीशु मसीह खड़े, उठे फिर बैठे, उठे और फिर बैठे। क्यों? शायद यीशु मसीह दर्शा रहे थे, उनको बता रहे थे कि व्यवस्था तो मैंने लिखी है, 10 आज्ञाएं तो मैंने ही दी है, मैंने ही लिखा था उसको, लेकिन पहली बार जब मूसा लेके गया उसने उनको तोड़ दिया, अगली बार उन्हें उसको वापिस देना पड़ा, लेकिन अब वो 10 आज्ञाएं को कहां रखा गया था? सबसे पवित्र स्थान पर, और वहां पर क्या था? करुणा का सिंहासन। और उस करुणा के सिंहासन में क्या था? उसको ढक दिया गया था करुणा के सिंहासन, तो जब उस पर लहू छिड़का जाता तो सारे देश के पापों को माफ कर दिया जाता। और यीशु मसीह शायद उनको ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे, ये मेरा अनुमान है, कि बिना करुणा के, उनका लहू बहने से सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन दोष लगाते रहे ये लोग, पूछते रहे उससे। दानियल के 5वें बेलशज्जर के जब हाथ में उंगली पर लिखने आया तभी भी वो समझा नहीं क्या, और यहाँ पे यीशु मसीह जमीन पे लिख रहे, लेकिन लोग समझ नहीं पाए कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। और यीशु मसीह उठे और उन्होंने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, तुम में से जो भी निष्पाप हो वो पहले उसे पत्थर मारे। ना ध्यान से सुनो, यहां पे यीशु मसीह नहीं कह रहा है कि तुम में से जिसने पाप नहीं किया हो, वो कह रहे तुम में से जो निष्पाप हो, जिसने पाप नहीं किया ना, जो निष्पाप हो, यानी तुम्हारे अंदर पाप ही ना हो,
क्योंकि व्यवस्था के अनुसार पथराव जब किया जाता है तो जिसने वो ही पाप नहीं किया होगा वही पथराव कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि तुमने अगर ये पाप ना किया हो, उसने कहा अगर तुम निष्पाप हो, तुम्हारे अंदर पाप ही नहीं है, तो तुम पहला पत्थर मारो। और यहां पे हम दिख रहा है कि अनुग्रह, इसका ये मतलब नहीं कि हम किस तरह से चाहे उस तरह से जी सकते हैं। अब यीशु मसीह दिखा रहे हैं, बहुत सीधे रूप से दिखा रहे हैं कि पाप को छोड़ रहे नहीं है, लेकिन इंसान के ऊपर जवाबदारी नहीं है पाप का न्याय करने की, परमेश्वर पर। अब यीशु मसीह कह रहे उसका उस पर न्याय, जिस जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। क्या कह रहे हैं यीशु मसीह कि किसी और का न्याय मत करो। मत्ती 7 में वर्ष नंबर 1-6 में लिखा है कि न्याय मत करो कि नहीं तो तुम पर न्याय किया जाएगा, कि तुम जिस न्याय से तुम न्याय करोगे उसी तरह से तुम्हारा न्याय किया जाएगा। और क्यों तुम दूसरों की आंखों के अंदर एक छोटी सी तीली देखते हो और तुम्हारे आंखों खुद के अंदर इतना बड़ा सा लकड़ा है। कहने का मकसद क्या है? दूसरों का न्याय नहीं करना है, दूसरों पर दोष नहीं लगाना है। ये यीशु मसीह यहां पे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरों पे दोष लगाने से पहले खुद को देख लो। और यीशु मसीह यहां पे सिद्धांत सिखा रहे हैं उनको कि जब हम अनुग्रह से लोगों को देखते हैं तो हमारे पास उनका न्याय करने के लिए समय नहीं होता है, लेकिन अगर हम न्याय करते हैं लोगों का, उनको जज करते हैं, तो हमारे पास उनको अनुग्रह देने के लिए, प्रेम करने के लिए समय नहीं रहता है। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि इन शास्त्रियों और फरीसियों की तरह ये कपटी लोग थे कि ये कहते थे कुछ और लेकिन जीते थे किसी और तरीके से, और उनका मकसद जीने का कोई और था। और यीशु मसीह हमें उनको दर्शा रहा है कि इस तरह से हम जी नहीं सकते, इस तरह से हम कार्य नहीं कर सकते। व्यवस्था ये नहीं कर सकती काम, धर्म ये काम नहीं कर सकता। ये कपटी लोग हैं, ये दोष लगा रहे हैं, लेकिन इनकी आंखों में इतना बड़ा पाप है, लेकिन दूसरों की आंखों में छोटा तिनका भी इनको दिख जाता है। और यहाँ पे एक सिद्धांत है कि हम इसलिए किसी का न्याय नहीं करते, बिकॉज अगर किसी ने गलती की है और अगर हम उसका न्याय करें तो हम परमेश्वर का स्थान ले रहे हैं। और इसका मतलब क्या होता है? परमेश्वर कहता है कि तुम न्याय मत करो नहीं तो तुम्हारा न्याय किया जाएगा। कहने का मकसद है उसके ऊपर जो दंड दिया जाएगा वो तुम्हारे सर पर आ जाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर का स्थान नहीं लेते। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि नहीं, तुम न्याय मत करो, लेकिन प्रेम तो कर सकते हो। शैतान इस तरह से आज हम पर दोष लगाता है, हम पर दोष लगाता रहता है। ज़करिया चैप्टर 3:1 में उसने दोष लगाने का काम है उसका, भाइयों पर दोष लगाने का काम है उसका, विश्वासियों पर दोष लगाने का काम है, हमेशा दोष लगाता रहता है। लेकिन परमेश्वर उसको ताड़ता है, ताड़ता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी और उसकी वजह से हम बचाए गए हैं। और यीशु मसीह यहां लिख रहा है और वर्ष नंबर 9 में जब उन्होंने ये सुनकर बड़े से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु मसीह अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उसे कहा, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझे पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूं, जा और पाप ना कर, जा और पाप ना कर। दो तरीके के लोग खड़े वहां पे, व्यवस्था के और उन पापी को लेके आए हैं। एक शास्त्री और फरीसी वापिस चले गए, बड़े से लेकर छोटे तक। क्यों? वो जान गए कि उनके अंदर भी पाप था। लेकिन क्या अनुग्रह का व्यक्ति यीशु मसीह के सामने नहीं था? क्या वो उद्धार नहीं पा सकते थे? नहीं, उनकी सोच व्यवस्था में लगी हुई थी, उन्होंने अनुग्रह को अनदेखा कर दिया। लेकिन ये स्त्री वहां से नहीं गई। जब यीशु मसीह ने सर ऊंचा किया और उठा के देखा तो ये स्त्री वहीं पर थी। वो भी जा सकती थी, वो भी छोड़ के जा सकती थी, वो भी वहां से निकल सकती थी, कहती कोई पथराव करने के लिए है नहीं तो मैं क्यों नहीं, मैं निकल जाती हूं यहां से। लेकिन वो गई नहीं। क्यों? लूका 15 में हम देखते हैं सारे पापी यीशु मसीह के पास आ रहे थे। क्यों? क्योंकि वो हमें समझता है। ये यीशु मसीह व्यक्ति है, अनुग्रह का व्यक्ति है, जो हमें समझता है। हमारे जीवन में कुछ भी कठिनाई हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी पाप हो, हम यीशु के पास आ सकते हैं। कोई भी चीज उसे छुपाओ मत, कोई भी चीज दूर मत रखो। उसकी नजरों से कोई चीज छुपी नहीं है, उसकी नजरों से कोई चीज ढकी भी नहीं है। अपना दिल खोल के उसके सामने आओ। वो इंतजार करता है, वो इंतजार करता है। और चाहे कोई भी व्यवस्था में हो, इस स्त्री ने व्यभिचार किया हुआ है, इसकी शर्म है, उसका पाप है, लेकिन वो फिर भी यीशु के सामने खड़ी है। वो गई नहीं वहां से।
वो जानती थी। और सोचिए वो कह रही है, हे प्रभु मैं नहीं गई। लेकिन चौथी पंक्ति में देखो तो शास्त्रीय फरीसी यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, हे गुरु। वो कह रही है हे प्रभु, उसने यीशु को अपना प्रभु मान लिया था, उसने यीशु को अपना प्रभु मान लिया था। और यहां पे हम देख रहे हैं कि वर्ष नंबर 10 में उसका जीवन जैसे बदल गया है। वो कह रही प्रभु नहीं गई हूं मैं। किस वजह से उसका जीवन बदला? पहला कारण है अनुग्रह की वजह से उसका जीवन बदला है। और आपका जीवन मेरा जीवन अनुग्रह की वजह से बदला है। यहां पे ये देख रही है उसकी व्यवस्था के अनुसार उसको क्या मिलना चाहिए, दंड। व्यवस्था के अनुसार उसको क्या मिलना चाहिए, ग्लानि का अधिकार, पथराव होना चाहिए उसके पर। शर्मनाक बात की है उसने, सबका नाम खराब कर दिया है। लेकिन परमेश्वर उसको देता नहीं कुछ दंड। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर किसी ने कुछ गलत किया, हम सोचते हैं इसको तुमने दंड नहीं दिया परमेश्वर। लेकिन अगर वही गुनाह हम करें तो हम कहेंगे धन्यवाद आपने दंड नहीं दिया मुझे, आपका अनुग्रह बहुत अच्छा है। याद रखिए अगर परमेश्वर न्याय पर आ गया, न्याय का मतलब है जिस चीज के आप लायक हो वही आपको मिलना चाहिए। अगर वो न्याय पर आ गया तो हम कोई भी खड़ा नहीं रह पाएगा। लेकिन क्योंकि वो अनुग्रही परमेश्वर है इसलिए हम बच सकते हैं। और यहां पर परमेश्वर दर्शाता है वो उस चित्र को। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर तूने न्याय नहीं किया, जब दूसरे में परेशान करते हम कहते तूने न्याय नहीं किया। लेकिन जब हम गलती करते हैं कहते धन्यवाद तूने अच्छा हुआ न्याय नहीं किया। हमारी नजरों में हमारे दिल में वो बदलाव आना जरूरी है कि हम अब लोगों को जिस तरह से जिस अनुग्रह से हम बचे हैं उसी अनुग्रह की आंखों से हम दूसरों को देखना है। अनुग्रह से ही हम आगे जीवन में बदलाव ला सकते हैं, अनुग्रह से ही जीवन बदल सकता है, अनुग्रह से ही हम संतुष्ट हो सकते हैं, अनुग्रह से ही हमारे पाप से हमें छुटकारा मिलता है, अनुग्रह से ही हमारा जीवन परिवर्तन हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता है। शास्त्री और फैरिसी हैं जो यीशु मसीह कह रहे हैं कि कानून के अनुसार ये है, व्यवस्था के अनुसार ये है, आप क्या कह रहे हो? और यीशु मसीह ने अनुग्रह ही जवाब दिया, वो जो निष्पाप को वो पहला पत्थर फेंके, वो पहला पत्थर फेंके। कोई नहीं है, लेकिन कोई नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा मैं भी तुझ पर दोषी लगाता हूं, जा और पाप मत कर। यहाँ पे अनुग्रह सच्चाई दिखती है। और ये पंक्ति बहुत जरूरी है, अच्छा वो बाइबल में वर्स है, बिकॉज कई लोग कहते हैं कि अनुग्रह 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 सच्चाई की जरूरत नहीं है। कुछ कहते हैं सच्चाई होना जरूरी है, अनुग्रह नहीं है, अनुग्रह ज्यादा अनुग्रह अनुग्रह करोगे तो लोग पाप में जिएंगे। नहीं, यीशु मसीह ने कहा मैं भी तुझे दंड नहीं देता हूं, अनुग्रह जा और पाप मत कर, सच्चाई। अनुग्रह और सच्चाई इनको आप अलग नहीं कर सकते, ये एक साथ चलते हैं। अगर सिर्फ अनुग्रह देते रहो और सच्चाई नहीं करो तो लोग अनुग्रह का इस्तेमाल करेंगे और पाप में जिएंगे। अगर आप सिर्फ सच्चाई सच्चाई करोगे तो लोग रूढ़िवादी बन जाएंगे और अनुग्रह समझेंगे नहीं। अनुग्रह और सच्चाई अलग नहीं हो सकते। जॉन चैप्टर 1 में लिखा है परमेश्वर यीशु मसीह पूरी तरह से अनुग्रह और सच्चाई से भरे हुए, और वही हमारा जीवन। और यहाँ पे हम देखते हैं सिर्फ अनुग्रह ही नहीं लेकिन विश्वास भी था। और उसने कहा यीशु मसीह से कि मैं यहां से नहीं गई, कोई भी मुझ पर दोष लगाने के लिए नहीं है। हे नारी, हे नारी, तू भी जा पाप मत कर। फैरिसी कहते रहे गुरु और ये कहती रही प्रभु। अनुग्रह उनके लिए था लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। इस संसार में अनुग्रह है, परमेश्वर ने हर एक के लिए रखा है, उद्धार सबके लिए है। लेकिन जो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, अच्छा शिक्षक अच्छा आदमी मानकर चले जाएंगे, एक दिन उनको उनके पाप का जवाब देने के लिए यीशु के सामने खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन हमने विश्वास किया है, हम जानते हैं और हम विश्वास करते हैं। और प्रभु कह रही है जीवन बदल गया। अंत में वो अपने जीवन के एक स्थान पर आ गए थे जहां पर सिर्फ वो और यीशु थे। याद रखिए हम सबके जीवन में वही स्थान है, इस समय को जहां पर सब कुछ बंद है, ठीक से नहीं चल रहा है, यीशु के सनाम में सामने आओ, यीशु के सनाम में सामने आओ। वो तुम्हारी सब जरूरतों को समझता है, सारी चीजों को समझता है। आत्मिक व्यभिचार मत जियो। यीशु अकेला था जो कह सकता था कि उस नारी को पत्थर मारो, क्योंकि वो अकेला निष्पाप था। लेकिन उसने क्या चुना? उसने चुना कि मैं अनुग्रह दूंगा,
आज संसार में यीशु मसीह अनुग्रह दे रहा है और हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आज यीशु मसीह ने भले ही चाहे कुछ भी हो हम सबके जीवन में मौके दिए हैं और ये मौके हम सबके लिए उपलब्ध हैं। उनके संग आप क्या कर रहे हो? क्या उस मौके को आप इस्तेमाल कर रहे हो यीशु की सेवा करने के लिए? उस मौके को जाने दे रहे हो? व्यर्थ सोच रहे हो कि कल करूंगा सेवा, परसों करूंगा सेवा? याद रखिए, आपको बचाया गया है, उद्धार में आप आए हो, इस अपने जीवन को अपनी रीति से जीने के लिए नहीं, यीशु के अनुसार जीने के लिए। उसका एक मकसद है, उस मकसद को भूलना नहीं। संसार में मत खो जाना कि आप यीशु के मकसद को भूल जाओ। लगे रहो, उसको जानो गहराई से, सच्चाई से। अविश्वासी भी है जिनको मौके दिए जाएंगे उद्धार के लिए और अगर उन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया तो एक दिन उसके सामने खड़े होकर जवाब देना होगा। यीशु मसीह ने उसको पत्थर नहीं दिया, क्षमा दी, अनुग्रह दिया, प्रेम दिया और उसके से उसका जीवन बदल गया। मैं नहीं जानता उस स्त्री ने आगे जाके क्या किया, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन मैं ये जान सकता हूं कि मुझ में भी दंड की योग्य था, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे अनुग्रह दिया, मुझे प्रेम दिया, मुझे करुणा दी। उसको मैं व्यर्थ नहीं सोच सकता, मेरा जीवन बदल गया है। आज प्रभु ने जो भेंट दी है उसको हम इस्तेमाल करें, अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है और परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया है और ये नया जीवन हमें इसलिए दिया है ताकि हम उसकी सेवा कर सकें। शैतान दोष लगाना छोड़ेगा नहीं। पुराना पापी स्वभाव हमेशा कहेगा कि अपनी सेवा कर, पर प्रभु की सेवा मत कर, अपने लिए जी, दूसरों के लिए मत जी। ये संसार कहेगा अपने को, आपको संभाल, अपने बारे में सोच, और पवित्र आत्मा कहेंगे नहीं, यीशु के पीछे चल, यीशु के पीछे चल। इन सब बातों को भूल जाना है। संसार में हाँ बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन में भी बहुत कुछ हो रहा है। परमेश्वर गहरा काम कर रहा है। आज हम शायद नहीं समझे, लेकिन हम शायद तैयार किए जा रहे कल का सामना करने के लिए। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं अनुग्रह से तेरे जीवन को परिवर्तन कर दूंगा, मैं अनुग्रह से तुझे बदल दूंगा। विश्वास रख मुझ पर, प्रेम रख, प्रेम से छोड़ना नहीं। पहले परमेश्वर के राज्य की खोज कर, बाकी सारी बातें तुझसे जुड़ जाएंगी। और ये हमारी इच्छा है, ये हमारी प्रार्थना है। और शायद आज आपके जीवन में स्त्री की वजह, स्त्री की तरह, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जो सुन रहा है उसके जीवन पाप की वजह से खराब हो चुका है? निराश मत हो। ऐसा हो सकता है कि आपको चोट लगी हो क्योंकि कुछ रूढ़िवादी लोगों ने आपको गलत बातें बोल 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 करके आपको उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया। आपके अंदर सिर्फ ग्लानी बची और प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। शायद अब उस जगह पे आ गए हो जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी चीज के योग्य नहीं हूं या लायक नहीं हूं। शायद अब ऐसी जगह पे आ गए हो कि आपको लग रहा है कि कोई मुझे समझता नहीं है। ये सारे पत्थर लोग मार सकते हैं, शास्त्री, फैरिसी, धर्म, कानून, व्यवस्था, ये सारी चीजें हैं, लेकिन उससे बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह है। यीशु आपको समझता है, यीशु आपको जानता है। यीशु के पास आओ और वो आपसे ये सवाल पूछता है, कौन है तुझ पर दोष लगाएगा? कोई नहीं, कोई नहीं है जो तुम पर दोष लगाएगा, बिकॉज यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपनी जान दी और आज वो जीवित है और आपका इंतजार कर रहा है कि आप उसके सामने जब आपसे पूछें कि कौन तुझ पर दोष लगाता है, निडर होके करो, कोई नहीं करो। और फिर वो कहता, जाओ और पाप मत करो, सेवा करो यीशु की, इसके लिए जियो। हमारे पास एक परमेश्वर है जो हमें समझता है, जो हमें जानता है, जो हमें गहराई से पहचानता है, और वो हमें हर बंधुआई से छुड़ाना चाहता है, वो हमें आजाद करना चाहता है ताकि हम उस जीत में जी सके जो उसने हमें दी है। और आज वो आपको बुला रहा है और आपसे कह रहा है कि आओ उस स्थान पर और मुझे अपने जीवन का प्रभु बनाओ। क्या बनाओगे? अगर आपने विश्वास किया है तो यीशु की सेवा करने से बात बड़ा कोई बात नहीं है। और अगर आपने विश्वास नहीं किया तो मैं आपको आमंत्रण देना चाहता हूं कि आओ यीशु पर विश्वास करो, वो आपको कभी निराश नहीं करेगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद इस समय के लिए, इस समय के लिए प्रभु धन्यवाद कि आप दंड नहीं लेकिन आप अनुग्रह देते हो। धन्यवाद कि आपने हमारे पापों को माफ किया है।
प्रार्थना करते प्रभु कि इस वक्त कोई अगर है जो यीशु पर विश्वास करना चाहता तो अपने सिंपल अपने मन में प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद कि आप इस धरती पर आए, मेरे पाप के लिए अपनी जान दी और आपने मुझे उद्धार दिलाया। धन्यवाद देता हूँ, इस समय को आपके हाथों में देता हूँ, मेरे जीवन को आपके हाथों में देता हूँ। मुझे मेरे पापों से माफ करना, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। जब मेरा समय इस धरती पर पूरा हो, मुझे स्वर्ग में ले लेना। मैं आपको अपने जीवन में प्रभु की तरह स्वीकार करता हूँ। अगर आपने प्रार्थना की है, जान जाइए यीशु मसीह ने आपकी प्रार्थना को सुना है और आपको वो नया जीवन देता है। और कलीसिया के लोग जो सुन रहे हैं, याद रखिए, चाहे कोई भी ग्लानी हो, उसने जीना नहीं, यीशु मसीह ने तुम्हें आजाद किया है। कोई तुम्हारा न्याय नहीं करता, यीशु मसीह ने तुम्हें आजाद किया। अनुग्रह से जीना सीखो, व्यवस्था से के अनुसार नहीं, अनुग्रह के अनुसार जियो, विश्वास से जियो और जान जाओ कि प्रभु हमारे जीवन में वो अद्भुत काम करना चाहता है और हमारे जीवन के द्वारा कई सारे लोगों को आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमेन। Hallelujah, Sutri Gaya, Gaya, Hum, Yeshu Ki Sutri Gaya.
विश्वास है प्रभु कि आपका नाम काफी है, आपका जानना काफी प्रभु। समय पे हाथ धोने प्रभु